भाई कौन त्याग रहा है? हम बोल तो रहे हैं कि भाई हमारे पास ही है वो सीट, हम ही लोग लड़ेंगे। भाई मैं आज की तारीख में जमुई का मैं सांसद हूँ, पर हाजीपुर में भी मेरी भूमिका उतनी ही सक्रिय है कि नहीं? हाजीपुर सीट से समझौता क्या भाई? समझौते की परिस्थिति की चर्चा ही क्यों? किस बात का समझौता? किस बात का समझौता? सरकार से जो भी जवाब की अपेक्षा विपक्ष रखता है या सहयोगी दल भी, जिनको भी थोड़ी बहुत आशंका है, मुझे लगता है वो तमाम जवाब परसों प्रधानमंत्री जी 10 तारीख को देंगे, उसमें सारे सवालों के जवाब। मणिपुर के विषय पर चर्चा इससे पहले ही हो जाती अगर विपक्ष अपनी जिद पे नहीं अड़ा रहता और सिर्फ प्रधानमंत्री जी को जवाब देने के लिए बाध्य करने की दृष्टि से वो लोग अविश्वास प्रस्ताव लाने की जिद नहीं करते। भाई समझौते की परिस्थिति की चर्चा ही क्यों? किस बात का समझौता? किस बात का समझौता? जैसा मैंने कहा कि ये सब गठबंधन के भीतर होने वाली चर्चाएं हैं और बहुत सहजता से ये तमाम बातों पर चर्चा भी हो जाएगी और निष्कर्ष भी निकल जाएगा। लेकिन इंटरव्यू में प्रतीक कुमार पारस ने कहा जमुई त्यागने का वजह बता दे चिराग पासवान, उसके बाद जो करना है करें। क्या जमुई त्यागने के पीछे का वजह बता दे, धोखा देने? भाई कौन त्याग रहा है? हम बोल तो रहे हैं कि भाई हमारे पास ही है वो सीट, हम ही लोग लड़ेंगे। भाई मैं आज की तारीख में जमुई का मैं सांसद हूँ, पर हाजीपुर में भी मेरी भूमिका उतनी ही सक्रिय है कि नहीं है? उतना ही मैं हाजीपुर भी जाता हूँ और उतना ही मैं बिहार के कोने कोने में जाता हूँ। भाई मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। मैं बिहार के 13 करोड़ लोगों को विकसित राज्य देने की बात करता हूँ। 13 करोड़ लोगों की मैं बात करता हूँ, जात पात धर्म मजहब से उठकर, क्षेत्रों से उठकर। तो ऐसे में हाजीपुर हो, जमुई हो, पूरा प्रदेश, उसके लिए हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का हम लोग विजन लेकर। भाई हम लोग बहरहाल ये गठबंधन के घटक दल का अपना निर्णय है, जिस तरीके से उन्होंने समर्थन वहाँ से वापस लिया है। बहरहाल मुझे लगता है कल से मणिपुर के विषय पर चर्चा इससे पहले ही हो जाती अगर विपक्ष अपनी जिद पे नहीं अड़ा रहता और सिर्फ प्रधानमंत्री जी को जवाब देने के लिए बाध्य करने की दृष्टि से वो लोग अविश्वास प्रस्ताव लाने की जिद नहीं करते। तो बहुत पहले चर्चा हो गई होती, इस पे निष्कर्ष भी कुछ ना कुछ निकल के आता, चर्चा से सबको लाभ ही होता। पर बहरहाल कल से इसको लेकर चर्चा है। मुझे लगता है जितनी भी सरकार से जो भी जवाब की अपेक्षा विपक्ष रखता है या सहयोगी दल भी, जिनको भी थोड़ी बहुत आशंका है, मुझे लगता है वो तमाम जवाब परसों प्रधानमंत्री जी 10 तारीख को देंगे, उसमें सारे सवालों के जवाब मिलेंगे।